हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। वेलकम टू टुडेज व्लॉग, स्वागत है आपका। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज जो अपन की सुबह थी वो बड़ी जल्दी हो गई थी। 6 बजे मैं उठ चुकी थी क्योंकि मैं सोच रही थी वॉक पे जाऊँ, एंड मैंने कर दिखाया। बड़ी शिद्दत से उठी और वॉक भी करके आई। फिर आके जो बेसिक काम होते हैं, नहाना बहाना, खाना सब कुछ कम्प्लीट हो गया। यार मस्त लग रही है, सही लग रही है ना, पूरा मरून हो चुका है कलर। अभी अपन जा रहे हैं कि लैपटॉप ओपन करूंगी, थोड़ा काम करूंगी क्योंकि वही एकमात्र सहारा है रोजी रोटी का। एक और चीज नोट की होगी आपने कि 2K सब्सक्राइबर जल्द ही होने वाले हैं, तो आएगा कुछ डिफरेंट व्लॉग, कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे। आई नो बहुत छोटी चीज है, लेकिन छोटी छोटी मोमेंट्स को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जल्दी से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो यार। तो किचन की तरफ देखते हैं, और ये मम्मा कोर यहाँ पे खड़ी है। मम्मा कोर कितना चला रही है यार। अच्छा, और ये कुकर चढ़ चुका है और मुझे सीटियाँ सुनाई देने वाली है थोड़ी देर में, और आपको भी ना। टाइम हो चुका है 11, तो चलते हैं अंदर, पापा को भी देख लेते हैं यार। हेलो पापा, कैसे हो? चलो बढ़िया। सो गाइज, काम ही कर रही थी तो अचानक मुझे याद आया यार, बड़ी देर हुई कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया। क्योंकि यार हम क्या करते हैं कि जब 2-3 दिन इकट्ठे हो जाते हैं ना कमेंट्स, तो उसके बाद एक ही साथ रिप्लाई करते हैं। मोस्टली रिप्लाई मैं करती हूँ। था कि यार वो जो यूट्यूब वाला था कि मतलब उसका पिन आ गया, उस पर बहुत 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 अच्छी अच्छी कंग्रेट्स वाली कमेंट्स आए हुए थे, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज भूखी आ गई, देखो हर्षी। हेलो, हमने कर लिया लंच। तो इस टाइम पता नहीं कौन से सपनों में पहुंच गई है, सोगी हुई है। मैं भी सोच रही हूँ एक घंटा थोड़ा रेस्ट करूँ, क्योंकि सुबह उठी थी यार जल्दी, तो ना मतलब पूरी ऐसे नींद पूरी नहीं लग रही है, थोड़ा सा ये मगजमारी हो रहा है इधर भेजे में। गाइस आज मैं दीदी को कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो मेरी दीदी है वो सोई नहीं है और मैं लेट गई थी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो यार मैं आ गया फुल होश में, मुँह शुद्ध होके आई हूँ, एंड अभी बनाते हैं चाय। एंड गाइस, आज बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देने जा रही हूँ, ते हैं, एंड जैसे जैसे आपको बताती जाऊँगी वैसे वैसे फॉलो करते जाना, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। तो ये आंटी सारे धोखे के हैं, तो ये भी लगाने बाकी हैं, एंड मैं आती हूँ चाय की तरफ। चाय बनाते हैं। सिर धोके आ गए हो? अच्छा, सिर क्यों धोया स्पेशली? मम्मा आप करो रेस्ट, मैं बना के लाती हूँ अच्छी अच्छी चाय। तो चाय बनाना और काम भी करना है बड़ा। क्या काम करना है? और सब्जी मैं बना देती हूँ, दाल भी मैं तड़क देती हूँ। और बताओ तो आप रेस्ट करो ना। मैं ले रही मेरी बात को नहीं नहीं मम्मा को बताना मेरा। हर्षी दीदी, चाय रस और खजूर लाई हूँ। तो गाइस हमारा चाय वाला काम हो गया, अभी मैं इसको प्याज को हम करने लगे हैं ग्राइंड, देन टमाटर को इसकी प्यूरी बना के रख देंगे। गाइस दीदी अंग्रेज बन गई है। गाइस दीदी मेरी छोटी सी अंग्रेज बन गई है, इंग्लिश गाने गा रही है आज ये। तो इंग्लिश गाने गा के मैं अंग्रेज बन जाऊंगी? हाँ दीदी। चल यार मसाले बना। गाइस एक बात हुई है, हम हंस हंस के मर गए हैं। रोटी तेरे को भूख लगी अभी? और कैसे डिश बनाई है? क्या बनाया आज? पनीर। ओ वाओ मम्मा, बड़ा टेस्टी लग रहा है। तूने बनाया? मम्मा ने बनाया, सच बोलो। मैंने बनाया, इस पनीर को काटा। ताजी ताजी अच्छी अच्छी गोल गोल चपातियां बना, गोल बनेंगी लंबी, कुछ पता नहीं है। क्या कर रही है? बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपने कौन से ब्रांड की मेहंदी यूज की है, तो हम एक ही ब्रांड की मेहंदी यूज करते हैं, जो बाहर लगाते हैं उनकी अच्छी होती है लेकिन बड़ी अजीब तरीके से उतरती है। ये देखो नेहा की मेहंदी। हाँ, एंड फेक कलर उन्होंने दिया होता है थोड़ा। अच्छा कलर निकला यार। तो नेहा की यूज करनी चाहिए, थोड़ी ऑर्गेनिक भी होती है। नेहा ही लेनी है। अच्छा बोनी लगी है निकी। दीदी गला कोटेंगी के? डिनर कैसा लगा आपको? गाइस इतना सही टेस्टी पनीर था, मजा ही आ गया। कैसे बनाया दीदी ने बताओ? मम्मा ने बनाया, तूने कर दिया यार। मैं बनाया, पागल है क्या? यहाँ पे पेशी होगी सबकी, दोनों मुलजिम होगी। मम्मा ने सच आधा मम्मी अब आधे पे आ गई है, पहले काटने पे आई थी और फिर बोलेगी पूरा इसने बनाया। सो गाइज अब जाके फ्री हुए, पूरा काम हो गया। एंड गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव देने वाली हूँ, तो बेसिकली जो वीडियो है वो रिलेटेड है फेस के, मतलब जैसे आप देखते हो कि अनयूजुअल मतलब अनवांटेड फैट यहाँ पे इस एरिया पे हो जाती है, जिसको हम डबल चिन कहते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारी लेडीज में वो प्रॉब्लम आती है, तो कुछ दिन पहले ना मेरे को भी वही प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रही थी। अभी भी पूरी तरह से नहीं हुई है, बट अगर मैं बोलूँ तो काफी हद तक फर्क पड़ गया। हफ्ते में ही इतना ज्यादा फर्क मेरे को देखने को मिला है कि मुझे लगा कि जिन लोगों को
ये मतलब इशू है एंड ओवरकम करना चाहते हैं, मुझे ये चीज उनसे शेयर करनी चाहिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इन एक्सरसाइजेस को, देखते हैं क्या है ये एक्सरसाइज। बता देती हूँ कि हम हर एक एक्सरसाइज के 3 राउंड लगाएंगे और हर एक राउंड में कितने टाइम आपको स्टे करना है या कितने टाइम आपको वो परफॉर्म करना है एक्शन, वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। बट मैं आपको एक बार पहले ही बता दूं कि ये ना थोड़े आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ना वियर्ड लगेंगी एक्सरसाइज करते टाइम, बहुत ही फनी एक्सप्रेशन आने वाले हैं गाइज। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 मैजिक एक्सरसाइज। सेकंड सब मैं फिंगर्स पे काउंट करती जाऊंगी, ठीक है? 1 2 3 4 हम करने वाले हैं पहली एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है कि जैसे हम ऊपर लिफ्ट करके फेस को च्युइंगम च्यू करते हैं ना, ये खाना, ऐसे एक्सप्रेशन देने जिससे आप ये नसे हैं, ये मतलब यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा, ठीक है? तो 3 बारी इसको मतलब 3 राउंड लगाने हैं और हर एक राउंड में 10 बारी करना है इसको, मतलब 10 सेकंड करना है। तो मैं फिंगर्स पे काउंट करती जाऊंगी बिना रुके 3 राउंड। ये 1 राउंड हो गया, ऐसे 2 राउंड लगाने हैं, 2 राउंड। यहाँ पे आपको स्ट्रेस फील होगा काफी। तो ये होगी हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट। देखा आपने कितनी आसान। दूसरी एक्सरसाइज है गाइस, वो सेम पैटर्न में है लेकिन जैसे हम अप फ्रंट करके ये कर रहे थे, अब आपको टर्न करना है फेस यहाँ पे, ताकि ये वाली जो मतलब यहाँ पे जो फैट है उसको मतलब खिंचाव महसूस हो, यहाँ पे स्ट्रेच आए। यहाँ देख के आपको यही 3 राउंड लगाने हैं 10-10 बार। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दूसरी एक्सरसाइज। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ये हमारी हो गई कंप्लीट दूसरी एक्सरसाइज। तो जो तीसरी एक्सरसाइज है सिमिलर वे में है, पहले हमने इस साइड टर्न किया था, अब हमें इस साइड टर्न करना है और ऐसे ही 3 राउंड्स लगाने हैं 10-10 टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, इस एक्सरसाइज से आपको इन फेशियल मसल्स में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। गाइस आई नो ये थोड़ा फनी साउंड कर रही होंगे, तो देखने में ये फनी लग रही होगी काफी, मुझे भी ऐसे लग रहा है, बट चलो कोई नहीं, कोई अच्छी चीज है तो उसको सीखना चाहिए। अब है जो 4th एक्सरसाइज गाइस, उसमें क्या करना है वो तो बड़ी थोड़ी सी अजीब है। आपको जो अपनी टंग है पूरी स्ट्रेच करनी है बाहर, मतलब जितने ज्यादा स्ट्रेंथ से आपको उसको स्ट्रेच कर सकते हो बाहर उसको करना है। 3 राउंड हम लगाएंगे लेकिन आपको उंगलियों पे काउंट करते रहना है, हर एक राउंड में 10 सेकंड का काउंट होगा, ठीक है? ओपन करना है जितना भी हो सकता है, ठीक है? एक राउंड हो गया, 2 राउंड और लगाने हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा होगा आपको। थर्ड राउंड। अब जो गाइज हमारी 5th एक्सरसाइज है उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। उसमें ना 12 मतलब 3 राउंड ही लगाने हैं लेकिन हर एक राउंड में 12 सेकंड रहेंगे। 12 कैसे, जैसे मैंने पहले माउथ में अपना ऐसे पूरा आपको स्ट्रेच करना है, पूरा खोलना है माउथ से। ये देख रहे हो यहाँ पे खिंचाव आएगा आपके, यहाँ पे मसल्स में खिंचाव आएगा। होल्ड कर रहे हो ना, इसको 4 बारी होल्ड करना है, मतलब 1 राउंड में 4 4 4 12 बारी होल्ड करना है। ये हमारा कंप्लीट होता है 1 राउंड। ऐसे ही अगले बाकी के 2 राउंड्स कंप्लीट करते हैं। गाइस यहाँ पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। उसके बाद रह गई हमारी लास्ट एक्सरसाइज। तो देखो कितनी इजी एक्सरसाइज, टंग है, माउथ है, बस उसको स्ट्रेच करना है एंड यू विल गेट रिड ऑफ द डबल चिन प्रॉब्लम। तो गाइस जो लास्ट एक्सरसाइज उसमें करना है आपको वैसे हवा भरनी है, यहाँ 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 यहाँ। ये भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा फनी लग रहा है बट क्या कर सकते हैं। चलो इसमें क्या होगा, 3 राउंड लगाएंगे, हर एक राउंड में 2 बारी टर्न आएगी, मतलब
ये दो बारी टर्न आएगी, तो लगा लो कितने होंगे 8 सेकंड, 4 सेकंड पहले वाले में, 4 सेकंड दूसरे वाले में। तो जो पहला राउंड है वो स्टार्ट करते हैं इसका। ये हमारा हुआ एक राउंड। जब आप हर एक एक्सरसाइज का एक एक राउंड कंप्लीट करोगे आप थोड़ी सी रेस्ट ले सकते हो, कंप्लीट करोगे आप थोड़ी सी रेस्ट ले सकते हो। अब ऐसे दूसरा राउंड। तो गाइज इसी के साथ हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि दिन में कितने टाइम करें, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि हार्डली इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो आप 2 टाइम करो एक दिन में, सुबह कर लो शाम को कर लो। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 टाइम कर लो। जनरल में फर्स्ट डे करोगे ना, आपको यहाँ पे ना थोड़ी सी ऐसा लगेगा कुछ सख्त हो गया ये वाला पोर्शन, दर्द होगी आपको, और दर्द होना अच्छी बात है, आपको पता लगेगा कि या दीज आर इफेक्टिंग यूर जो आपकी प्रॉब्लम है। जादू उठना यार, जादू यार, तब से सो ही रही है, झूठी टायर्ड हूँ बस, पर नींद नहीं आई। टायर्ड है पर नींद नहीं आ रही बेबी को, बंद करे। सो गाइज यार अब हो गया है दिन का एंड पार्ट आ गया है। आपको पता है हम क्या बोलने वाले हैं, अभी सही से नींद लेनी है, तो हम जल्दी सोने लगे हैं मैं और रशिया। 11 भी नहीं बजे गड़म हो जाएंगे क्योंकि सुबह फिर से जल्दी उठना है। तो गाइज आज का व्लॉग ऐसे ही था। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें से, इस व्लॉग में से इन्फॉर्मेटिव मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा, ना अगर हेल्पफुल साबित होता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब और तक अभी अभी हमने देखा हमारे 2, हाँ अभी अभी जस्ट देखा 2 के सब्सक्राइबर हो गए, पूरे 2000 कंप्लीटेड। इसके बारे में कल वार्तालाप करेंगे यार, व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में ऐसे। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहो, खुश रहो, खुश रखिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।